तो चलो बच्चों, अब साइंस के क्वेश्चंस की शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। तो हमारे कुछ 10-15 एक साइंस के क्वेश्चंस आएंगे, तो उनको बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉल्व करना और सभी क्वेश्चंस का बिल्कुल टाइम टू टाइम बिल्कुल सही तरीके से जवाब देते रहना, ठीक है। और कोशिश करना कि जो जितना हो सके कि आप लोगों को जितना आंसर्स आते हैं उन सभी आंसर्स के रिप्लाई करो। अगर नहीं भी आते हैं तो एटलीस्ट तुक्का मारना, क्योंकि मैं सच में कह रही हूँ यहाँ पे तुक्का मार दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही करने के लिए मैं यहाँ पे हूँ, बट वहाँ पे नहीं होएगा, तो कम से कम यहाँ पे तो तुक्का मार दो, ठीक है। तो हर एक से रिक्वेस्ट है कि जो जो बच्चे हमें लाइव देख रहे हैं वो सारे के सारे बच्चे हमें क्या करें, रिप्लाई ज़रूर करें जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सभी बच्चों से गुजारिश है, और सभी बच्चों से ये भी गुजारिश है कि क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सारे बच्चे देखते तो रहते हैं क्लास को, वीडियो को देख लेते हैं, पूरा देख लेते हैं, लेकिन क्लास को लाइक नहीं करते हैं। तो सभी बच्चे क्लास को जरूर लाइक करेगा और उसके साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो बच्चे, वेलोसिटी यानी कि वेग की आयाम क्या है? LT1, देखो ये क्या है, LT-1, दूसरा क्या है, L-1 T-1, M-1 या फिर L-1 T² ठीक है, और ये है L-1 और T-1। तो क्या आएगा? तो बच्चे L, T और ये सब M होते क्या है, M बताता है मास, ठीक है, कि कितना क्या है वजन है। T क्या बताता है, सॉरी L क्या बताता है, L बताता है लेंथ, लंबाई, ठीक है, लंबाई बताता है। और टी क्या बताता है, समय, ठीक है। तो वेग का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, वेग का वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ओवर सेकंड, ठीक है, ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को हम किससे देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट हम देखते हैं बच्चे मीटर के अंदर, है ना, यानी कि लेंथ होगी, लेंथ की यूनिट है। और ये बच्चे हम देखते हैं टाइम, किसको देखते हैं, टाइम हम देखते हैं सेकंड के अंदर, यानी कि टाइम की यूनिट है ये। तो यानी कि लेंथ में आ जाएगा हमारा, आ जाएगा L, ठीक है, क्योंकि L ऊपर ही है, L के ऊपर कोई नहीं आएगा। और टाइम क्या आ जाएगा, सेकंड, क्योंकि अब जब जैसे टाइम को मैं आ जाऊँगी यहाँ पे माइनस वन करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम क्या आया है, नीचे आया है, ठीक है। तो टाइम की पावर क्या आ जाएगी, माइनस वन आ जाएगी। तो सही आंसर क्या है, पहला है सही आंसर। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं हुई कैसे किया गया ये? चलो समझ में आ गया ना सब लोगों को? सब लोगों को समझ में आ गया है ना कि पहला वाला क्वेश्चन कैसे किया गया है, कि जो चीज़ें ऊपर होएगी आप लोग ऊपर, बस सिंपल है जो हम ये करते हैं ना, एम स्क्वेयर या फिर टी स्क्वेयर, उसी तरीके से है, ठीक है, ओके, वेरी गुड आदर्श, चलो अच्छी बात है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा विद्युत चालक है, तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा या फिर सिल्वर? जल्दी से बताइए सबसे अच्छा विद्युत चालक कौन है। मैम पीछे जो नंबर है उस पर कॉल कर सकते हैं क्या? कॉल तुम तब कर सकते हो अगर तुम्हें कोई काम है तो, ठीक है, बेफालतू में कोई ऐसे टाइम पास के लिए फोन नहीं करना। हाँ कोई जरूरी काम है कि वो काम हो नहीं पा रहा है तो तुम कॉल डेफिनेटली कर सकते हो, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा विद्युत चालक है। अब ये जल्दी से करते हैं, फिर बाद में मैथ भी करना है हमें, ठीक है। तो सबसे अच्छा विद्युत चालक की बात करते हैं तो सबसे बेस्ट कंडक्टर में से कौन कौन से आते हैं, सिल्वर आता है, फिर उसके नीचे एल्यूमिनियम आता है, ठीक है, एल्यूमिनियम आता है, फिर उसके नीचे आता है कॉपर आता है, ठीक है। तो इनमें से सबसे बेस्ट कौन सा है, चांदी है, ठीक है, इनमें से सबसे बेस्ट की बात करें हम चांदी की, ठीक है। अगला, सच एलिमेंट्स विच हैव प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल आर कॉल्ड, यानी कि ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, धातु द्विधात्वीय या फिर ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो क्या कहा जाता है उन्हें बच्चे? जी डी डी मैम कर सकते हो बच्चे,
विवेक डी, आदर्श डी, डी को लॉक किया जाए, इनमें से कोई नहीं। नहीं यार, बाय बाय मेटेलिक कहा जाता है, ठीक है। धातु और अधातु की जो प्रॉपर्टीज करे उनको बी मतलब बाय मेटेलिक कहा जाता है, द्विधातु में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द बॉडी कॉल्ड और मूविंग बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। ये मैंने पहले भी करवा रखा है, मंगल और बृहस्पति के बीच में घूमने वाले पिंड को क्या कहा जाता है, प्लैनेट, छोटा तारा यानी कि एस्ट्रॉयड, सितारे या फिर बॉडी शरीर, क्या कहा जाता है। तो मैंने कहा हुआ है कि मंगल और जी बच्चे बृहस्पति, बृहस्पति ठीक है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में जो एक छोटे छोटे पत्थरों का जो एक लेयर आती है उन्हें क्या कहा जाता है, एस्ट्रॉयड कहा जाता है, ठीक है, एस्ट्रॉयड्स कहा जाता है। और वो बच्चे क्या होते हैं, वो छोटे छोटे पत्थर होते हैं जो सूर्य के अराउंड चक्कर काटते हैं, ठीक है। तो ये जो एस्ट्रॉयड की बेल्ट आती है वो किसके बीच में आती है, मंगल और बृहस्पति के बीच में, छोटा तारा या फिर एस्ट्रॉयड कहा जाता है, ठीक है जी बच्चे। शुभम राज बी बी बी, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है, किसको कैंसर के उपचार के लिए करेंगे हम यूज, जस्ता, सिलिकॉन, कोबाल्ट या जर्मेनियम। कैंसर के उपचार के लिए मैं किसका उपयोग करूं, चलिए जल्दी से बताइए। और सभी बच्चों को रिक्वेस्ट है, क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा और उसके साथ में नए बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलो तो कैंसर के उपचार के लिए हम कोबाल्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आयोडीन 131, आयोडीन 131 का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, गोइटर के लिए करते हैं, गोइटर को ठीक करने के लिए। कार्बन का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, पुरानी चीज़ों की एज पता करने के लिए, ठीक है, यानी कि कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करते हैं कार्बन डेटिंग के अंदर। और किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, फॉसिल्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं उनकी एज पता करने के लिए, ठीक है, एज पता करने के लिए कि कितना समय पुराना वो हमारा कोई पर्टिकुलर चीज रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अच्छा एक और चीज है, यूरेनियम, यूरेनियम 235, यूरेनियम 235 का इस्तेमाल हम करेंगे बच्चे रेडियो एक्टिव के अंदर, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी के अंदर, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी के अंदर, ठीक है, यानी कि कोई हमें न्यूक्लियर फ्यूल बनाना है या फिर उन सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल करना है तो यूरेनियम 235 का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन, वेयर डज द प्योर मेटल कलेक्ट ड्यूरिंग इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, विद्युत शोधन के दौरान शुद्ध धातु कहाँ एकत्रित होती है। अब देखो क्या है क्वेश्चन, क्या है ध्यान से समझो। देखो मान लो हमारे पास एक बीकर है, ठीक है, अब बीकर के अंदर मैंने एक सॉल्यूशन डाल दिया, ठीक है। अब उस सॉल्यूशन के अंदर क्या है, हमारे पास एक मैंने ले लिया रॉड किसका, एनोड का, ठीक है, एक मैंने ले लिया रॉड कैथोड का, ठीक है, कैथोड का, ये कैथोड है और ये है एनोड, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है कि अगर मुझे प्योर मेटल को इकट्ठा करना है तो प्योर मेटल कहाँ इकट्ठा होता है, जैसे कि हमने जैसे ये इलेक्ट्रोलाइसिस सिस्टम होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम कर देते हैं इनको तार से कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चलने लग जाती है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी कि पॉजिटिव वाला चार्ज नेगेटिव वाले की तरफ इकट्ठा होएगा, है ना। तो बेसिकली हमारा क्या होएगा, हमारा कैथोड के ऊपर तो क्या आएगा, प्योर मेटल आएगा, ठीक है। प्योर मेटल क्या आता रहता है, कैथोड के ऊपर इकट्ठा होता रहता है और एनोड के ऊपर क्या हो जाएगा, जंग यानी कि खराब, ठीक है, जो हमारा ये मान लो जो वेस्ट है, वेस्ट कहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, हमारा एनोड के ऊपर। तो सही आंसर क्या है, कैथोड के ऊपर हमारा प्योर मेटल इकट्ठा होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, ऑन्कोलॉजी इज रिलेटेड टू विच स्टडी, ऑन्कोलॉजी वह एक अध्ययन से संबंधित है, किसके अध्ययन से संबंधित है, दिल, मधुमेह, कैंसर या हैजा। ऑन्कोलॉजी किससे संबंधित है, अरविंद मांझा वरना मैं सच में ब्लॉक कर दूंगी, अभी बहुत ज्यादा हो रहा है तुम्हारा।
बच्चे इतना हो जाते हैं ना तुम लोग। चलो तो ऑन्कोलॉजी किसे है? ऑन्कोलॉजी संबंधित है हमारे कैंसर से, यानी कि कैंसर के ट्रीटमेंट के अंदर एनालिसिस करनी है, अगर उसको स्टडी करना है और किस तरीके से हम कैंसर को हटा सकते हैं, उन सब चीज़ों से रिलेटेड हमारा ऑन्कोलॉजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर? वायु की आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आर्द्रता मापी हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, दबाव नापने का यंत्र यानी कि मैनोमीटर, या फिर ओडोमीटर? जी बच्चे, ये तो तुम्हें नाम से पता चल गया होगा, आर्द्रता मापी यानी कि हाइग्रोमीटर। ठीक है, हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं हम किसके लिए? आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी नापने के लिए। हाइड्रोमीटर किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? हाइड्रोमीटर जो हम इस्तेमाल करते हैं समुद्र की गहराई के लिए। ठीक है, समुद्र की गहराई नापने के लिए, गहराई नापने के लिए। ठीक है, अच्छा, ओडोमीटर का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? ओडोमीटर का इस्तेमाल करते हैं स्पीड नापने के लिए, यानी कि कोई व्हीकल आ रही है उसकी स्पीड कितनी है। ठीक है, स्पीड को नापने के लिए, स्पीड की गति को नापने के लिए किसका हम ओडोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। अगला, वेयर इज द फ्यूज वायर मेड? अच्छा, फ्यूज वायर एक्चुअली किसकी, मतलब शायद गलती से लिखा गया है, फ्यूज वायर किससे बनी होती है? वेयर नहीं, मतलब किससे बनी होती है? टिन और लेड से, सिल्वर और टिन से, कॉपर और टिन से यानी कि तांबा और टिन से, चांदी और टिन से, या टिन और जस्ता से, जिंक जस्ता से। ठीक है, जल्दी से बताइए सभी के सभी बच्चे, चलो सी सी सी, तांबा और टिन नहीं यार, फ्यूज की टायर, फ्यूज की जो वायर बनी होती है, ठीक है, फ्यूज वाली जो वायर होती है वो टिन और सीका यानी कि टिन और लेड से बनी होती है। ठीक है, टिन और लेड से बनी होती है फ्यूज की वायर, और जो हमारे जो हमारा बल्ब होता है, ठीक है, बल्ब का फिलामेंट तो बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन से बना होता है। ठीक है, टंगस्टन, और जो फ्यूज वायर जो बनी होती है वो किससे बनी होती है बच्चे? टिन और लेड से। और इसका क्या होता है, इसकी ऐसी वायर होती है जो कि मेल्टिंग पॉइंट हाई नहीं होता। ठीक है, जैसे कि टंगस्टन का क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई रेजिस्टेंस भी होता है। ठीक है, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, और इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई नहीं होता, इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और रेजिस्टेंस भी लो होता है। रॉयल, मेरा फॉर्म गलत हो गया क्या, इसके क्रैप्शन डेट आते हैं क्या, उसका पता नहीं है मुझे, सी या डी में कन्फ्यूजन है। कोई बात नहीं, सी या डी नहीं है बच्चे, एक्चुअल में टिन और लेड की बनी होती है फ्यूज की वायर्स। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, विच ग्लैंड परफॉर्म्स टेम्परेचर कंट्रोल इन ह्यूमन बॉडी? कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में तापमान नियंत्रण का काम करती है? एड्रिनल ग्लैंड, या फिर थायरॉयड ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, या फिर बच्चे पिट्यूटरी ग्लैंड? तापमान को कौन कंट्रोल करता है? एड्रिनल ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड, या फिर बच्चे हाइपोथैलेमस ग्लैंड, या फिर हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड? तापमान को कौन कंट्रोल करता है? रॉयल राजपूत। जी बच्चे, इसका मुझे रॉयल राजपूत, देखो मुझे पता नहीं है इसका कि ये जो फॉर्म गलत हो गया, तो तुम वहाँ पे जाके, जो ऑनलाइन वाली शॉप होती है ना, वहाँ पे जाके पूछ के आ सकते हो। ठीक है, फरीद खान सी है। तो बच्चे कौन सा है, तापमान कौन कंट्रोल करता है हमारा?
जी सी 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 को लॉक किया जाए. हाइपोथैलेमस इज अ राइट आंसर. ठीक है, हाइपोथैलेमस क्या करता है, हमारे बॉडी के तापमान को कंट्रोल करता है. हमारे बॉडी के ब्लड प्रेशर को कौन कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर. ठीक है, ब्लड प्रेशर को कौन कंट्रोल करता है, एड्रिनल ग्लैंड कंट्रोल करता है. यानी कि एड्रिनल ग्लैंड को एड्रिनल ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है एड्रिनलाइन. ठीक है, एड्रिनलाइन, और जो कि हमारा एक इमरजेंसी हार्मोन है. ठीक है, इमरजेंसी हार्मोन है. ठीक है, हार्मोन है. अच्छा, थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, और थायरोक्सिन अगर हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाए, ठीक है, तो क्या हो सकता है, गोइटर हो सकता है. तो थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है. ठीक है, और इसके लिए क्या, इसको थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है, हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है. मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म यानी कि बच्चे कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन, इन सब चीज़ों को बैलेंस रखने का काम कौन करेगा, हमारा थायरोक्सिन हार्मोन. और उसके अलावा इसको थायराइड ग्लैंड को क्या चाहिए होता है, आयोडीन चाहिए होता है. ठीक है, और आयोडीन की कमी से क्या हो सकता है, गोइटर हो सकता है. ठीक है, और पिट्यूटरी ग्लैंड को हमारा मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड. ठीक है, और ये बच्चे हमारा कौन से कहाँ पे पाया जाता है, ब्रेन में पाया जाता है. ठीक है, बहुत ही छोटा सा होता है, ब्रेन में पाया जाता है. अगला क्वेश्चन, डैश इज हाइड्रोजन बॉम्ब बेस्ड. क्या हाइड्रोजन बॉम्ब पर आधारित है, परमाणु विखंडन, जी बच्चे रेडियोधर्मी व्यवधान, परमाणु संलयन, या फिर उपयुक्त से सभी. हाइड्रोजन बॉम्ब पे कौन सा बेस है, परमाणु विखंडन, रेडियोधर्मी व्यवधान, तो बच्चे क्या होता है, परमाणु संलयन. क्योंकि परमाणु संलयन में क्या होता है, एक एटम लिया, दूसरा एटम लिया, अब दोनों के बीच में एक टकराव होएगा, जिसकी वजह से और एटम बनेंगे, और जिसकी वजह से क्या होगी, एनर्जी बहुत ज़्यादा निकलेगी. तो परमाणु का विखंडन नहीं हो रहा है, बल्कि दो परमाणु को एक साथ मिलाया जा रहा है, और फिर जब वो और एनर्जी निकाल रहे हैं, और एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, जिसके कारण हाइड्रोजन बम बनाया जाता है. लेकिन अगर जब हम बात करें न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर, जिसके लिए हम ऊर्जा बना रहे हैं, तो वहाँ पे परमाणु विखंडन का इस्तेमाल करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर. ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर, उनके अंदर हम परमाणु विखंडन का क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि परमाणु विखंडन के अंदर ऊर्जा कम निकलती है, और परमाणु बच्चे संलयन के अंदर ऊर्जा ज़्यादा निकलती है. ठीक है, हाइड्रोजन बॉम्ब क्या है, एक हमें बॉम्ब बनाना है, तो बॉम्ब का क्या चाहिए, ऊर्जा ज़्यादा चाहिए. लेकिन एक न्यूक्लियर एनर्जी के लिए हमें क्या चाहिए, ऊर्जा लिमिटेड चाहिए, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए कि भाई पूरा गाँव ही जल जाए. ठीक है, तो बस वही है. अगला क्वेश्चन, वट इज़ द यूनिट फॉर मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ साउंड. ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है, डेसिबल है, फेडोम है, आर्ग है, या फिर इनमें से कोई नहीं है. ध्वनि की नापने की तीव्रता क्या है, जी बच्चे, तो वह बच्चे डेसिबल है. ठीक है, क्या है, डेसिबल है. चलो तो अब साइंस का एक आखिरी क्वेश्चन रहता है, अब जल्दी से साइंस के क्वेश्चन करते हैं, फिर बाद में थोड़े से हमारे मैथ के क्वेश्चंस आएंगे. तो रेडी हो सब लोग, ये बताओ जल्दी से मैथ के क्वेश्चंस करने के लिए. वेरी गुड, वेरी गुड. चलो, डैश इज द मोस्ट एक्टिव सब्सटेंस. सर्वाधिक सक्रिय पदार्थ है, सिलिकन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, या फिर नाइट्रोजन है. इनमें से सबसे ज्यादा एक्टिव सब्सटेंस कौन सा है, जल्दी से बताइए सारे के सारे, जल्दी से. सबसे ज्यादा सक्रिय जो सब्सटेंस है वो पोटेशियम है. ठीक है, पोटेशियम क्यों है सबसे ज्यादा सक्रिय, क्योंकि अगर उसको अगर आप बाहर छोड़ दोगे, इवन हवा और पानी के अंदर भी, तो क्या हो जाएगा, वो जल जाएगा. ठीक है, उसके अंदर ये क्या वो होती है हमारे पास, उसके अंदर क्या होती है, एक खास शक्ति होती है. साथ में सोडियम भी है, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, जिनको अगर बाहर छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, आग में जल जाएंगे. ठीक है, आग में जल जाएंगे.